आज की रेसिपी है गुड़ की चाय। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड़ की चाय जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी गुड़ की चाय फट जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपकी गुड़ की चाय कभी नहीं फटेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं गुड़ की चाय, जो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बनता है। तो पहले हम गुड़ की पाक तैयार करेंगे, यानी जागरी का सिरप। उसके लिए हम पानी लेंगे। एक कप पानी लिया है मैंने, आप जितने कप लाना चाहें वैसे पानी ले सकते हैं, बट एक कप पानी में सिर्फ 4-5 कप के लिए रेडी हो जाता है। तो मैंने ये पानी लिया है। अब मैं गुड़ लूँगी, ठीक है, और गैस को मैंने मध्यम रखा है। तो गुड़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा गुड़ लिया है, और गुड़ जो भी आपका अवेलेबल हो वो गुड़ लेंगे। रावा गुड़ हो, रावा गुड़, खजूर गुड़, आपके पास जो हो अवेलेबल, आपके मार्केट में जो मिलता हो वो गुड़ लेंगे, और हम इसे डाल देंगे पानी में। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा हम चलाएंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे ना, तो वो जो नीचे है ना, वो गुड़ बैठ जाएगा, सट जाएगा। तो उसके कारण हम इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे थोड़े थोड़े देर पर, ताकि वो गुड़ ना प्रॉपर मेल्ट करे, और वो हमारा पाक ना अच्छा तैयार हो, जले नहीं हमारा पाक। जो जैगरी का सिरप है ना, ये तैयार करना ही मेन है पहले हमें। आप देख रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा बॉयल हो रहा है, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा मतलब गुड़ मेल्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं चला रही हूँ इसे टाइम टू टाइम। और ये थोड़ा ना हमें सिरप टाइप का बनाना है, हनी टाइप का। इसे हमें लिक्विड फॉर्म, थोड़ा सा लिक्विड रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा स्लो करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसमें उबाल आ रहा है। और ये अच्छे से मेल्ट कर चुका है गुड़। ज़्यादातर गुड़ की चाय हमारे यहाँ फास्टिंग में बनती है, तो मैं इसमें अब थोड़ी सी इलायची डाल देती हूँ टेस्ट के लिए। इलायची, लौंग, तेजपत्ता फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, पर फास्टिंग में क्या होता है ना, अलाउड हो या नहीं हो, बहुतों के घर में नहीं रहता है, तो जो अलाउड हो आप वो डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बस इलायची का टेस्ट गुड़ में। आप देखिए मैंने इसको सिम किया है, तो आप देख रहे कैसे गुड़ मेरा पूरा पूरा मेल्ट हो चुका है। अब मुझे इसे थोड़ा खदकाना है, मतलब थोड़ा पानी जो है ना उसको कम करना है। तो मैं इसे सुखाऊंगी ताकि ये सिरप हो, ठीक है। जैगरी का जो सिरप होता है ना, वो हनी टाइप का थोड़ा रखना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा खदकाऊंगी इसे। तो आप देख रहे हैं मैं इसे खदका रही हूँ, और बीच बीच में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये अभी थोड़ा पानी टाइप का है, तो हम इसे खदकाते रहेंगे। और गुड़ की चाय बनाने में ना मेन है कि सिरप बनाना। हम सिरप अलग से बनाते हैं, तो मैं सिरप आप रेडी कर रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे कैसे वो पूरा सिरप है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पानी दिख रहा है, मैंने पहले से पानी सूख गया है, पानी कम हो गया है, तो सिरप हमारा रेडी हो रहा है। आप अपने हिसाब से अपने लिए घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारी गुड़ की चाय फट जाती है, आपकी गुड़ की चाय अभी नहीं फटेगी। तो अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए ठीक है, टेक्सचर थोड़ा तो ठीक है। तो अब इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाएं, आपकी गुड़ की चाय कभी नहीं फटेगी। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। कि चाय का जो मेन सीक्रेट है वो यह है कि दोनों में से कोई एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, या तो सिरप या तो चाय। अगर दोनों गर्म रहेगा तो चाय बनने की जगह छेना बन जाएगी, और फिर आप बोलेंगे आपने तो बताया ही नहीं था कि ये छेना बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिरप है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हमें इसे क्या करना है, ठंडा। तो हमने क्या किया है, एक बॉल लिया है जिसमें हमने ठंडा पानी लिया है। अगर आप ठंडा पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, और कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आपके पास कोई भी बर्तन हो, बड़ा बर्तन, तो उसमें पानी लेके, ठंडा पानी हो या फिर जमा हुआ आइस हो, तो आप वो लेके ये सिरप को उसमें डाल देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा बर्तन जल गया है, थोड़ा जल जाता है बर्तन सिरप बनाने में। तो हम इसे अब क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो हम इसे थोड़े देर के लिए ठंडा करना छोड़ देंगे बिल्कुल, और अब हम क्या करेंगे, चाय बनाने की ओर चलेंगे। तो हमने ये पैन चढ़ाया है, और अब हम इसे एक कप पानी डालेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक कप चाय बनाने जा रही हूँ। और मैं अब इसमें चाय पत्ती डालूँगी, गैस को ऑन किया है। चाय पत्ती आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कड़ी चाय पीते हैं तो थोड़ी कड़ी चाय पत्ती यूज़ करें, और आप अगर थोड़ा लाइट पीते हैं तो आप लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो चाय पत्ती मैंने डाल रही हूँ, मैं थोड़ा कड़ा पीती हूँ तो मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ थोड़ा कड़ा।
तो मैंने ये चायपत्ती डाल दिया। और एक बात जो साइंटिफिकली रिसर्च में कही गई है कि अगर आप चाय की पत्ती को 5 मिनट तक खदकाते हैं ना, तो उससे एंटीऑक्सीडेंट निकलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम चाय पीते हैं तो हमें पता है कि चाय एसिडिक होती है, तो अगर हम थोड़ा 5 मिनट तक इसको खदका लेंगे तो हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रेगुलरली 5 मिनट तक चाय को खदकाती हूँ ताकि मुझे एंटीऑक्सीडेंट मिल सके। तो आप भी ट्राई करें, आप अपनी चाय को 5 मिनट तक खदकाएँ, और जब चाय को 5 मिनट तक खदकाएँ तो पानी थोड़ा एम्पल अमाउंट में लें। अब मैं इसमें क्या करूँगी, आप देख सकते हैं कि हमारी पानी थोड़ा सूख गई है, मैं इसमें तुलसी डाल देती हूँ। मुझे तुलसी पसंद है, टेस्ट के लिए भी और हेल्थ के लिए भी, तो हम इसमें थोड़ा तुलसी डाल देते हैं। और आप देख रहे हो मेरी चाय सूख चुकी है, सूखी इसलिए कि जब आप 5 मिनट तक चायपत्ती को खौलाएंगे ना, तो आपकी चाय में का जो पानी है वो कम हो जाता है, तो आपकी चाय जले ना, इसलिए आप एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर लें, ताकि जो चायपत्ती आप 5 मिनट तक जब खौलाएं एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए, तो आपकी चाय सूखे या जल के ख़राब ना बने। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध डालूँगी अपने हिसाब से। तो मैं 1 कप दूध ले रही हूँ क्योंकि मेरी पानी पूरी तरह से सूख चुकी है, तो 1 कप दूध लेके मैं खौला लेती हूँ। और गुड़ की जो चाय बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग चाय को ही गर्म रखने की कोशिश करते हैं, यानी मतलब दूध का जो है उसको गर्म रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप चाय ठंडी लेंगे और सिर्फ गर्म लेंगे तो गुड़ की चाय की जगह वो गुड़ का शरबत लगेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ पहले बना के ठंडा कर लें और फिर चाय बनाएं, तो उससे क्या होगा कि आपको परफेक्ट अमाउंट ऑफ टेस्ट मिलेगा। अब देखें हमारा सिर्फ बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैं इसे अब अपने हाथों से उठा भी सकती हूँ, और आप देखें उसका टेक्सचर बदल चुका है, वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, जैसे हनी होता है ना उस टाइप का गाढ़ा हो चुका है। तो आपको सिर्फ को ठंडा कर लेना है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा है मेरा सिर्फ, थोड़ा हनी टाइप का हो गया है ना। तो बस आपको भी ऐसा ही बनाना, और ये बात हमेशा याद रखें कि गुड़ की चाय में एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो चाय फट जाएगी, ठीक है। तो हमारा चाय भी अब देखिए लगभग पक चुका है, आप देख सकते हैं उसमें उबाल आ चुका है, तो हमारा चाय हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग नहीं कप में डालेंगे, ठीक है। तो हमने ये कप लिया है और इस पर हम अब सिरप डालने जा रहे हैं। तो आप सिरप ना चाय छन्नी से छान के डालें, क्योंकि आजकल का जो मतलब सिरप आता है ना, मतलब गुड़ आता है ना मार्केट में, वो गंदा आता है थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी ऊपर से डस्ट होती है, तो वो गंदगी रहता है। तो या तो आप उसको चाय छन्नी से छान लें, छानने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सिरप इतना भी गाढ़ा नहीं है कि वो चाय छन्नी से नहीं आएगा, तो आप छान सकते हैं। और आप देखें मैंने इसमें थोड़ा सा सिरप लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, मतलब अपने हिसाब से टेस्ट के लिए लिया है, तो आप भी वैसा ही लें जितना आप मीठा पीना चाहते हैं, बट ज़्यादा सिरप ना लें तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब मैं चाय हमारी हो चुकी है, तो अब मैं चाय को कप में छान लेती हूँ। ये हमने इसे छान लिया और हमारी गुड़ की चाय बन गई। आप बिल्कुल देखें हमारा चाय फटा नहीं है, और ये फटेगा ही नहीं क्योंकि हमने क्या किया है, सिरप को ठंडा कर लिया है और हमारी चाय बिल्कुल गर्म है। इसे आप ना थोड़ा सा चम्मच से ना हिला लें, स्टेयर कर लें, ताकि क्या होगा ना, वो जो नीचे जो सिरप बैठा हुआ है वो अच्छी तरह से चाय में मिल जाए। तो आप भी ऐसा ही करें और आप गुड़ की चाय ज़रूर टेस्ट करें, और आपकी गुड़ की चाय अब कभी नहीं फटेगी, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड़ एक मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल प्यूरीफायर है, तुलसी भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी गुड़ की चाय कैसी बनी। और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।